Hey guys, this is Shivam and I'm here to teach you Mathias Prime Class 8 Exercise 2.2. So without further delay, let's get started. What is our first question? Reduce the following into the standard form. अब हमको क्या करना है कि जो numbers दिए हुए हैं इनको change करना है किस में? Standard forms में. Standard forms में कैसे change करेंगे? मैं आपको जैसे ये A number of question है ना, इसको 0.0000067 जो दिया हुआ है इसको मैं आपको change करके बताता हूँ, ठीक है ना. First thing I want to tell you that how we solve that question. At first we will count the all the numbers and after that we will apart the zeros. ठीक है ना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी zeros हैं इनको हम apart कर लेंगे और 6, 7 को रहने देंगे, ठीक है ना. तो जैसे हम इसको convert करेंगे जितने ही zero हमको दिखते हैं वही हमारा किस में हो जाएगा, power में हो जाएगा. तो अब हमको ध्यान देना है, देखिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे. तो 6.7 मल्टीप्लाई 10^-8, मतलब यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 जीरोज़ हैं. आप गिन सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 जीरो हैं. इसीलिए 10^ हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया. और 6.7 × 10, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा. ओके, व्हाट इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन. हाँ, दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन. सो इट विल बिकम 1.25436 × 10^9. ओके ना, इसमें कितने डिजिट्स हैं, टोटल 9 डिजिट्स होंगे. उसके हिसाब से इसने हम इसको हमने क्या किया, पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना. इसीलिए 10^9 आया है. तो इसको हमने क्या कर दिया, इसमें पॉइंट यूज करके 10^9 को यूज कर दिया. जो थर्ड का सोलूशन होगा आप देख लीजिए, थर्ड है हमारा 345. इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे 3.45 × 10^2. ये हमारा सलूशन हो जाएगा. ओके ना, आप लोग समझ गए होंगे. यहाँ पे मैंने सलूशन नोट डाउन भी कर दिया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस. अच्छा, वो उसी का, इसमें अभी 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना. तो आप इसको चेक करेंगे, तो जो सेकेंड और ए और बी में करके दिया हुआ है ये 4th और 5th क्वेश्चन में है. तो आप इसको चेक करेंगे तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है. इसका सलूशन भी यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है ना. 1.25436 × 10^9 एंड 2.8968 × 10^-4. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म. अब हमने अभी क्या किया है, जैसे अभी ये जी यूजुअल फॉर्म में है, पहले क्या थे, किस फॉर्म में थे ये हमारे क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यूजुअल फॉर्म में थे, तो इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया. अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस इनको किस में कर देंगे, यूजुअल फॉर्म में. यूजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रखा, आप इसको देख सकते हैं. सो क्या करेंगे, 5.23 × 10 जो है, तो इसमें 5, 2, 3, 0 कर देंगे, तो ये हमारा इसका सलूशन हो जाएगा. इस तरह से पांचों सलूशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि इनके सलूशंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना. इजीली है, मैंने वही जितने 8 हैं उसमें 0 या नंबर्स पॉइंट को हटा के और इधर उसमें नंबर्स का 0 ऐड कर दिया है. अब देखो 3.45 है, 10^8 है, 3.45 मतलब पहले 2 0 हटाएंगे और फिर उसके बाद 0 लगा देंगे जितने पावर में बचे होंगे, ठीक है ना. आपको ये तो पता ही होगा कि जो 0 होता है उससे क्या होता है, पॉइंट जो होता है एक साइड पीछे चला जाता है, ठीक ना. जैसे अगर 10 है तो वो अगर 3.4 है तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये पॉइंट से ऐसे चेंज हो जाते हैं. ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सारे आंसर्स इस पर रिटर्न है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रिटर्न है. थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं. 1 एंगस्ट्रॉम इज़ द 10 बिलियन पार्ट ऑफ द मीटर, ठीक है ना. एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इनटू द साइंटिफिक नोटेशन. अब हमको एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है इसके बारे में हम आगे आते हैं, आंसर अपने सोलूशन में देखते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. एंगस्ट्रॉम क्या होती है, यूनिट होती है काहे की, एक लेंथ के, जो डिनोटेड होती है किससे, ए से, ठीक है ना. सो इसका पार्ट क्या होता है आपको इसको देख लेना है. सो इसका पार्ट होता है एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 × 10 मीटर. अब इसका हम इसको जब पूरी तरीके से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.0 × 10^-10. ओके ना, यही हमारा सलूशन हो जाएगा. अब यही हमको मीटर में वो पूछ रहा था. ओके, ये यहाँ पे रिटर्न पे मैंने दे दिया है आपको, आप इसको चेक कर सकते हैं. वही चीज़ है, वहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको रिटर्न पे लिखा हुआ है. हाँ,
अ कैलकुलेटर कैन परफॉर्म अ सिंगल कैलकुलेशन इन अबाउट 0.00003 सेकेंड्स, ओके ना। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कैलकुलेट 4000 सच कैलकुलेशंस। एक कैलकुलेटर है जो कि कैलकुलेट करता है 0.00003 सेकेंड्स में, ठीक है ना। फिर अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कैलकुलेट, अब कितना टाइम लेगा वो 4000 सच कैलकुलेशन, ऐसे 4000 कैलकुलेशन करने में उसको कितना टाइम लगेगा और एक्सप्रेस करना है किस पे, साइंटिफिक नोटेशन पे हमको बताना है, ठीक है। सो कैलकुलेटर कैन कैलकुलेट अ सिंगल कैलकुलेशन अबाउट ये 0.00003 सेकेंड, देन टाइम टेकन बाय द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट 4000 सच। अब वो 4000 को कैसे कैलकुलेट करेगा, तो पहले तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, जैसे ये यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ तो इसको हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3.4 × 10⁻⁷ हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड में कितना आ जाएगा 4 × 10³, ठीक है ना। ये 4000 को चेंज कर दिया है, 4 × 10⁻³ किस में, किसको चेंज किया है 4000 के चेंज किया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 136 × 10⁻⁴, ओके ना, सेकेंड में आ जाएगा। फिर इसको जब पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट इसका चेंज करते हैं, पॉइंट को में डाल देते हैं, तो 1.36 × 10⁻² सेकेंड, ये हमारा सलूशन होगा, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इन एन आर, हमको बताना है नंबर ऑफ सेकेंड किस में, एक आर में, डे में, वीक में, मंथ में, ईयर्स में, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन के साथ बताना है हमको वही चीज़ें। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ईयर कंसिस्ट 365, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, उसमें 24 आवर्स होते हैं। मैं ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश पे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसलिए आपको इन चीज़ों का प्रॉब्लम ना आए। फिर ईच आर हैज़ 60 मिनट्स, सबके पास कितना, सॉरी ईच आर हैज़ द 60 मिनट, सभी आर के पास 60 मिनट होता है, ये तो कॉमन सी बात है, हम सब लोग जानते हैं। एंड ईच मिनट हैड 60 सेकेंड, सारे में एक मिनट इक्वल टू हमको पता है 60 सेकेंड होते हैं, वन मिनट इक्वल टू, दिस गिव्स द नंबर ऑफ सेकेंड इन एन आर। अब फिर नंबर ऑफ सेकेंड एक आर में हम कैसे निकालेंगे, 60 × 60 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3600, ये हमारे किसका आ गया वन आर का। अब हमको 24 आर का चाहिए, 24 आर के लिए क्या करेंगे, 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 86400 हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमको 365 डेज़ का चाहिए, तो 86400 में 365 डेज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सलूशंस आ जाएगा, एक सेकेंड ईयर्स में कितने होते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स, ठीक ना। 1 हेक्टेयर जो होता है वो बराबर होता है कितना, 10,000 स्क्वायर मीटर के। हाउ मच विल दिस बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, अब हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 मीटर इक्वल टू अगर 100 सेंटीमीटर है तो हमको क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधा सा वही है हमारा 20 इंक्रीज हो जाएंगे, वही हमारा सलूशन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू थिंक सो कि दैट वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।